भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी बने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री। कहा, जनहित के कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा हर संभव प्रयास। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इस महीने की 16 तारीख को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के शिक्षकों के लिए इनोवेशन एम्बेसडर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में COVID-19 टीकाकरण की पहली और दूसरी डोज को मिलाकर कल शाम तक कुल 35,05,42,004 व्यक्तियों को लगाए गए टीके। स्वामी विवेकानंद की 119वीं पुण्यतिथि आज। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सहित सभी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कहा, स्वामी विवेकानंद देश के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं में से हैं एक। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने पर प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सराहना की। COVID-19 के दुनिया भर में कुल मामले 18,42,00,000 के पार, मरने वालों की संख्या 39,86,000 से अधिक। अब खबरें खेल जगत से। यूरो कप फाइनल मैच में इंग्लैंड और डेनमार्क होंगे आमने सामने।